दरिंदगी दिखाते तो रे माधर चोद हर कला में निपुण है हम सब समझे ना? तो ये जिस प्रकार का घिनौना काम किया है इसने हम लोगों को चैलेंज कर दिया कि आदवों देखते हैं कितना ताकत है भगना साला एक पोस्ट किया है अभी तो फिल्म है टेलर पूरा बाकी है केहू के दाल गली भूमिहारन के राज भूमिहारन के बहिन के बूर में आग लगी अब <laughs> क्लियर कटअप कर रहे हैं तो हम भी पूरा भूमिहार कमाई छोड़ देंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम असोनिक कुमार तिवारी है और आप देख रहे हैं दजीबी वर्ल्ड दोस्तों आज हम हमारे साथ कुछ भुनियार बंधु हैं जिनसे हम बात करेंगे जो कटिहार में कांड हुआ है सात यादव बच्चे थे जो भैंस चरा रहे थे उनको गोली मार दिया गया है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है तो हमारे साथ कुछ बंधु बैठे हुए हैं जो भुनियार समाज से आते हैं तो इनसे हम पूछेंगे कि एक संतोष रेणु यादव हैं जो भोजपुरी के तो ऐसे माना जाता है कि वो गायक हैं लेकिन गायक से ज़्यादा वो राजनीति करते हैं कोई भी बिहार का कोई भी मुद्दा हो उस पर वो आते हैं और पूरे समाज को जो है कि गाली देके चले जाते हैं और उकसाने का कार्य करते हैं अभी वो गए थे यहाँ कटिहार में वहाँ जाने के बाद सभी यादव बच्चों को जैसे कि गोली मारने के लिए आदेश दे रहे हो ला रहे थे और बता रहे थे कि आप उठो उनको मारो गोली मारो और गाली दे रहे थे तो इनसे इनके बातों से कुछ भुनिहार समाज के जो लोग हैं वो बहुत आहत हुए हैं उसी बीच वहाँ गए थे पप्पू यादव जो डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दिए थे अगर गोली मारना ही है तो आप स्वयं मारिए संतोष जो रेणु यादव है अगर आपको गोली मारना है तो आप दूसरे को क्यों कह रहे हैं आप स्वयं गोली मारिए तो इसी मुद्दे पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे साथ जो बंधु हैं इनसे बात करते हैं सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना नाम बता दीजिए मेरा नाम सुनील सिंह हुआ किस समाज से आते हैं आप भूमियार समाज से हैं भूमियार परिवार से हैं अच्छा अच्छा तो ये जो जैसे मान लीजिए जो यहाँ कांड हुआ है ये तो मान लीजिए बहुत बेहद दुखद है किसी का भी हत्या नहीं होना चाहिए अगर होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ये सभा सभी समाज के लिए ये हानिकारक है कि अगर किसी के ऊपर कोई हमला कर दे वो मर जाए तो ये बहुत दुखद खबर है लेकिन एक बात ये बताइए कि जो संतोष रेणु यादव है जो अपने आप को मगध सम्राट कहते हैं मगध स्टार कहते हैं क्या क्या नहीं कहते हैं और सभी मुद्दों पे आके वो सभी को गाली देते हैं तो इस पर आप क्या कहते हैं सबसे पहले तो द वर्ल्ड देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको ताहे दिल मेरा नमन होगा इसके साथ साथ हम ये बोलना चाहेंगे जो संतोष रेणु यादव जो मगध सम्राट लिखते हैं अपने का आपको समाज सेवी अपने टाइटल सर नेम में डालते हैं तो समाज सेवी उसी को बोला जाता है उसी को अधिकार दिया जाता है जो पूरे समाज के हित में रह के कोई भी कार्य को करे एक तरफा जातिवाद का हवा हर मतलब हर मीटर में, में संतोष रेणु यादव जो है कोई भी मतलब यादव तो समुदाय से जुड़ा हुआ बात हो उसमें इनको पढ़ना है इंटरफेयर करते हैं मतलब तूक बात बोलते हैं इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए समाजसेवी का मतलब होता है समाज का अधिकार जितना दिल जितना एक तरफा किसी का माँ बहन का ओपनली गाली देना नहीं अगर देना ही है तो आप मोहन ठाकुर को दीजिए पूरे भूमिहार समुदाय पूरे मतलब भूमिहार वर्ग को आप गाली देने वाले होते कौन है इसके साथ साथ ये हम बताना चाहेंगे जो ब्राह्मण और भूमियार समुदाय के जो अध्यक्ष कहलाते हैं आशुतोष भैया उनको कम से कम पक्षपात न होते हुए एक बार अपने गार्जियन शिफ्ट को मर्यादा को देते हुए वहाँ भूमिहार समुदाय की जहाँ बात थी वहाँ आना चाहिए क्योंकि कल वोट का समय होता है तो आप बोलते हैं जो आर जे डी का समर्थन करो हमको वोट दो हम आर जे डी के साथ में हैं तो जब आर जे डी का सरकार है तो अगर इतना बड़ा नरसंहार किसी भी वर्ग से किया जाता है तो दिल को ठेस तो जरूर पहुँच पहुँचता है क्योंकि जो मरा होगा वो भी किसी माँ का बेटा है किसी मांग का सिंदूर है इसलिए यह दुखद घटना है इस पर एक तरफा न बात करते हुए जो भी इसमें दोषी करार दिए जाते हैं कानूनी प्रक्रिया बरकरार रखा जाए ये बताइए कि क्या बिहार में अब जंगल राज आ चुका है मैंने फिर से जंगल राज आ ही जाएगा तो, तो हो RGD जाएगा आरजेडी का सरकार आ जाएगा तब तो तेजस्वी का सरकार आएगा तो उसमें बीजेपी का सरकार रहेगा तो ठीक रहेगा तो अभी तो आरजेडी और नीतीश जी का ही सरकार है यहाँ पे सरकार तो अभी है फिलहाल में लेकिन नियम कानून देखिए क्या कैसे चला रहा लोग क्या कर रहा लोग लेकिन ये ब, बुनियार समाज का पूरे बौखलाना ठीक नहीं है इसमें शांति बनाए रखना सबको जरूरी है किसी तरह का इसमें और बवाल न मच है कि पूरे बुनियाद समाज के लिए बौखलाहट फैलाए कोई अच्छा ये अभी वहाँ पे गए हुए थे पप्पू यादव पप्पू यादव बोल रहे हैं कि जो गोली मार देगा उसको हम अढ़ाई लाख रुपया देंगे तो मैं पप्पू यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गोली मारना ही है तो सरकार किस काम की है पुलिस प्रशासन किस काम की है गोली मारना है तो आप भी मार दीजिए जाके अढ़ाई लाख ले लीजिए आप अढ़ाई लाख अपने पास ही रख लीजिए चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं जो पप्पू यादव बोल रहे हैं कि हम अढ़ाई लाख रुपया देंगे इस पर आप क्या कहना चाहते हैं क्या सहमत है कि नहीं है नहीं इस पर सहमत नहीं है इस पर अच्छा विचार होना चाहिए किसी को मार देना किसी को काट देना अच्छा, गले अच्छा गले नहीं है अनिंगल बात किसी को बोलना ये अच्छा नहीं है संतोष रेणु यादव सभी भुनियार समाज को गाली दे रहे हैं इस पर किसी को नाम धर करके जाति प्रथा करके लेकर के किसी को गाली देना उचित नहीं है और जो भी वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं आप लोग इसके में मत पड़िए हाँ प्रशासन का प्रशासन के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं कि प्रशासन आपका काम करे ताकि उन लोगों के ऊपर जो ये आरोप लगाए वो सिद्ध हो और उनको फांसी की सजा हो अगर ये गलत काम है तो है सबके लिए है सबके लिए अच्छा एक और जैसे मान लीजिए कि जिस जी, तरह से ये हत्याकांड बढ़ते जा रहा है इससे तो बिहार की छवि भी खराब होगी जरूर होगी सर जहाँ नरसंहार का रूप ले ले वहाँ विकास तो संभव हो ही नहीं सकता है साथ साथ हमारा जनरेशन भी बाधित होगा शिक्षा से दूर रहेगा वो जब भी देखेगा दृश्य मौत का ही देखेगा माजरा वही होगा बदले की आग होगी इसे आगे पीढ़ी तक प्रभावित रहेगा अगर इसको हर वर्ग दोनों पक्ष और हमारे जो भी वाहक हैं संचालक वो आगे बढ़ के अपने इस फर्ज और कर्तव्य को निभाए जो दोनों पक्ष को शांति दिलाए और जातिवाद पर न हवा देते हुए जो गोली मार देंगे ढाई लाख रुपया देंगे ये सब गलत बात है वो ढाई लाख रुपया खर्च करके अगर दोनों परिवार दो, पूरे गांव समाज समुदाय खुशी रह रहा है संपन्न रह रहा है तो उस काम को करना चाहिए तो परिवार है उसको गोली मारने के लिए अरेस्ट करने के लिए प्रशासन बनी हुई है आप नहीं है आप जो आप तो ईश्वर है नहीं जो किसी का मौत का और जिंदगी का फैसला ले लेंगे था आप किसी को मौत में तब्दील करने लायक नहीं है इसलिए आपको भी किसी के न किसी का कदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ये दोनों पक्ष शांति की दिशा में चले अच्छा मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि आज से तीन साल पहले लगभग जो मोहन ठाकुर हैं उनके भांजे और उनके भाई को गोली मार दिया गया था यानी कि उनका मर्डर कर दिया गया था उस टाइम ये लोग जितने भी नेता थे ना कोई गया और ना ही कुछ बोला लेकिन आज पहुँचे हैं हमें भी जाना था लेकिन मैं किसी कार्य से वहाँ नहीं पहुँच पाया तो सोचा कि यहीं से मैं मैं श्रद्धांजलि उन लोगों को दूं और उनकी आत्मा को शांति दे भगवान और जो ये गलत काम किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो योगी जी जो कार्य कर रहे हैं ऐसा करने से क्या बिहार में कंट्रोल होगा कंट्रोल सर पहले तो हमने यही पहले भी बात आपको बताया था जब जनरेशन प्रभावित होता है जब कब जब मन में भावना पैदा होता है सबसे पहले भावना को अगर न बाहर किया जाए तब तक ये खून का होली बहा है और बहते ही जाएगा ऐसे 20 साल पहले की हत्याकांड है और बदला का याग मत यही है जो मोहन ठाकुर का मतलब वंशज से दो आदमी मौत का घाट उतारा गया था जिसके प्रतिशोध में आज मोहन ठाकुर जो है ये कर्तव्य कर बैठे

लेन देन नहीं है कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उल्टे जो पत्रकार वहाँ जा रहे हैं उनको भी पीटा जा रहा है अब कौन पीट रहा है ये तो प्रशासन का काम है कि जांच करे और उसको उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई करे शासन प्रशासन के द्वारा तो ये नीतीश कुमार के मुंह पे एक तमाचा है और जो तेजस्वी यादव बने हैं मुख्यमंत्री उनके ऊपर भी एक तमाचा है कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आपके सरकार में आपके गवर्नमेंट में आपके राज्य में जो जंगल राज आ गया है ओ, आ ही गया है 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 अब हत्या है, हत्या ये जब से अच्छा सरकार जहाँ और प्रशासन की बात बोला जाए जब से संगठन के माध्यम से भाजपा बाहर हुई बिहार से और आरजेडी जे डी जदयू मतलब संगठन सरकार बना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सीएम मनोनीत किए गए उस समय से शासन और प्रशासन की बदहाली बिहार का जहां तक देखा जाए स्तर गिरते ही गया है दिन दहाड़े हत्या दिनदहाड़े लूटकांड प्रशासन को अपना काम सही ढंग से न निभाते हुए जहां अगर प्रशासन कमजोर हो जाएगी वहां ये दंगा का ढूंढना है आज उत्तर प्रदेश में देखिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अपने कमांडिंग को बरिया रखे हैं तो उस प्रदेश में कोई भी अपराधी एक बार साहस जुटाने के लिए मजबूर हो जा रहा है जो अगर हम अपराध करेंगे तो कल बक्स से नहीं जाएंगे कठोर से सपोज ऐसा ही घर का मालिक होना चाहिए सी को जो इतना दिन प्रदेश को अपने हाथ में वाहन किए आगे बढ़ाएं इनके बाद आज उनका नेतृत्व का पर क्यों इतना गिर गया जो दिन दहाड़े अपराध होता है आज तो आज के भी समय में तो सीएम नीतीश कुमार ही हैं पद पर नीतीश कुमार ही हैं फिर भी अगर देखा जाए तो विकास तो बाधित है ही बिहार से कब से जब से संगठित सरकार बना हुआ है बिहार में तब विकास तो बाधित है ही साथ साथ जो स्थिति बना हुआ है दयनीय है चलिए हम हम कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा को जातिवाद ना बनाया जाए और इसके ऊपर जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए और ये ना हो कि फिर से वही आज से पच्चीस साल पहले वाला राज आ जाए ताकि जाति जो इधर यादव का सेना बने इधर बुनियार का सेना बने इधर राजपूत का सेना बने इधर हरजन का सेना बने मतलब ये जातिवाद वाला जो जा पहले तो जंगल राज इसीलिए ना कहा जाता था कि जातिवाद जाति के वजह से लफड़ा होता था मोहल्ला का मोहल्ला जला दिया जाता था चाहे गया हो बक्सर हो चाहे कहीं भी हो जाति मतलब कि जाति के आधार पे वहाँ मोहल्ला का मोहल्ला जला दिया जाता था एक मोहल्ले में कितने लोग रहते थे आज कितने लोग रहते हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई ये आप पॉलिटिकल किस्सों में मत पड़िए और अपने काम पे ध्यान दीजिए और जो भी गुना है उसको सजा दिलवाइए प्रशासन के द्वारा आप ऐसा काम ना करें फिर हम मिलेंगे अगले तो वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद